हेलो एवरीवन एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स ब्लॉग। पिछले क्लास में हम लोग यूनिट 10 डायमेंशन चैप्टर में प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पर कुछ इम्पोर्टेंट सवाल किए थे और वो टॉपिक खत्म हो गया, लेकिन पिछले वीडियो में कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ था जिसपे एक सवाल था जिसमें कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ था, उसका हम एक बार देख लेते हैं कैलकुलेशन क्या मिस्टेक था, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। एक बार हम फिर से उस सवाल को सॉल्व कर देते हैं। P = पिछले वीडियो लेक्चर में ये सवाल मिस हुआ था, कैलकुलेशन में मिस्टेक हुए थे, एक बार हम इसे देख लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ a मल्टीप्लाइड बाय b। यहां पर a और b के बीच का वैल्यू निकालना है। यहां पर p है पावर, टी टाइम है और एक्स डिस्टेंस। चलिए सबसे पहले तो हम देखते हैं डायमेंशन ऑफ ए = हो जाएगा डायमेंशन ऑफ टी स्क्वायर। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, डायमेंशन ऑफ टी स्क्वायर यानी कि ए का डायमेंशन जो हमारा हो जाएगा टी, ये हो जाएगा टी का स्क्वायर। जो यहां तक तो क्लियर है। डायमेंशन ऑफ बी जो हम निकालेंगे, डायमेंशन ऑफ पी = होगा डायमेंशन ऑफ इस पूरे टर्म का a माइनस टी स्क्वायर अपॉन पी एक्स। p हमारा क्या है, पावर है, पावर का डायमेंशन होगा m वर्क अपॉन टाइम होता है, एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री पावर का डायमेंशन हो जाएगा। ऊपर वाले का डायमेंशन हमने निकाल चुका है टी स्क्वायर, जो इसका डायमेंशन, इसका डायमेंशन बी, बी का डायमेंशन हमें निकालना है एक्स का डायमेंशन एल। मिस्टेक हम लोग यही किए थे, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको हम इधर कर देते हैं, बी को इधर कर देते हैं, ये हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन एम एल क्यू टी माइनस थ्री, एम एल क्यू टी माइनस थ्री। यहां से हो जाएगा एम इनवर्स एल माइनस थ्री टी पावर फाइव। ये ऊपर चले जाएंगे, डायमेंशन जो बी का होगा ये नीचे आएगा, ये ऊपर चले आएंगे एल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एल, एल क्यू हो जाएगा एम एल क्यू टी माइनस थ्री, ये ऊपर चला जाएगा एल माइनस थ्री में आ जाएंगे एम इनवर्स हो जाएगा। ये हमारा ए निकल गया, ये हमारा बी निकल गया। अब हम ए मल्टीप्लाइड बाय बी निकालेंगे तो यहां से हो जाएगा एम इनवर्स एल माइनस थ्री टी सेवन, जो कि टी स्क्वायर का मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें तो टी सेवन हो जाएगा। ये कुछ इस तरह के मिस्टेक हुए थे। तो इस तरह से आप कैलकुलेशन मिस्टेक, आप कैलकुलेशन आप देख सकते हैं आसानी से, मान ली है कॉन्सेप्ट आप समझ गए तो कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेशन आप अपने से भी कर सकते हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकते हैं, मैं बार बार कहता हूं। कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आया था, मैंने ये बता दिया। चलिए आगे, हमने कैलकुलेशन के बारे में बता दूं कि कैलकुलेशन किसी से भी मिस्टेक हो सकता है। तो ये चीजें हैं,
चलिए एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन पे अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हेडिंग दीजिए एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। हमने जो डायमेंशन पढ़ा उसका क्या एप्लीकेशन है ये जानने की कोशिश। सबसे पहले पहला एप्लीकेशन आपने पढ़ चुका है चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। आपने देखा कि इसमें जो इक्वेशन को करेक्ट करते हैं वो डायमेंशनली करते हैं, डायमेंशनली इक्वेशन करेक्ट होते हैं। जिसमें कुछ सवाल आप लोग पिछले वीडियो लेक्चर में किए थे s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस। तो ये डायमेंशनली हम क्या करते हैं इक्वेशन को, हम क्या करते हैं इसमें क्या करते हैं इक्वेशन किस परिस्थिति में करेक्ट होंगे, डायमेंशन ऑफ ईच टर्म आर इक्वल इन बोथ साइड्स। यानी कि इक्वेशन में जो भी डायमेंशन है प्रत्येक टर्म का वह दोनों साइड्स में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो आपने एक सवाल हम अभी भी कर लेते हैं f इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। आप लोग इसको चेक कर सकते हैं f यहां पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, हम फोर्स ही लिख देते हैं m मास v वेलोसिटी और r क्या है रेडियस है, ये सर्कुलर पथ पर ये फोर्स लगता है वार्ट सेंटर, ये इसके रेडियस हैं। तो हम LHS में देखिए F का डायमेंशन क्या होगा, एम एल टी माइनस टू। RHS में चलते हैं, RHS में आप देखिए M मास है, इसका डायमेंशन एल टी माइनस वन का होल स्क्वायर कह सकते हैं, एल टी माइनस वन पर पावर टू यानी कि हो जाएगा बाय, ये रेडियस है एल हो जाएगा, हम लिखेंगे एम एल स्क्वायर टी माइनस टू बाय एल। आप कहिएगा कि दिस एंड दिस का टर्म कुत्ता यहां से हो जाएगा एम एल टी माइनस टू। देखिए एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस है, तो हम कहेंगे दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। तो हम क्या करेंगे दोनों तरफ का डायमेंशन अगर प्रत्येक टर्म का सम आता है तो हम क्या कहेंगे इक्वेशन क्या है डायमेंशनली करेक्ट है। चलिए और सवाल हम इस पे कर चुके हैं, एक बार मैंने इसको एक और सवाल को डायमेंशनली हम करेक्ट चेक करते हैं है या नहीं। चलिए P इज इक्वल टू एफ टी, इसको हम चेक करते हैं ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। P यहां पर हमने दिया मोमेंटम है P, F फोर्स है टाइम, देखते हैं इसको भी चेक करके आप लोग ट्राई कीजिए तो क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं।
चलिए देखते हैं। LHS में हमारा है P, डायमेंशन ऑफ P ये क्या है, मोमेंटम है। मोमेंटम का डायमेंशन होगा मास इनटू वेलोसिटी, MLT-1, ये इसका डायमेंशन हो जाएगा MLT-1। RHS में देखिए हमारा क्या है, F इंटू टी, इस पर हम सवाल करवा चुके हैं, MLT-2 इंटू इसका हो जाएगा T, तो MLT क्या हो जाएगा -1। देखिए दोनों तरफ डायमेंशन क्या आया, करेक्ट है, तो LHS इक्वल टू RHS, ये क्या है डायमेंशनली। करेक्ट, चलिए एक और चेक कीजिए। ये क्वेश्चन डायमेंशनली करेक्ट है। ये क्वेश्चन डायमेंशनली करेक्ट है, आगे सवाल देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है एफ इज इक्वल टू 1/2π रूट एम जी एल बाय आई। यहां पर इंफॉर्मेशन है, एम है मास, जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एल है डिस्टेंस कह सकते हैं या हाइट कह सकते हैं, कुछ भी ले लीजिए, आई है एम आई मोमेंट ऑफ इनर्सिया, मोमेंट ऑफ इनर्सिया आई है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्सिया। इसको आप चेक कर सकते हैं, चलिए हम लोग देखते हैं LHS में क्या होगा। F का जो डायमेंशन होगा MLT-2, ये RHS में चलते हैं, RHS में आपको पता है कांस्टेंट टर्म का कोई डायमेंशन होता ही नहीं है, हम इक्वेशन को डायमेंशनली करेक्ट की बात करते हैं। कोई बंदा यहाँ पर 2 भी लिख देता तब पर भी ये इक्वेशन अगर डायमेंशनली ये करेक्ट होगा तो करेक्ट होता, अगर नहीं होगा तो नहीं होता। चेक करते हैं एम क्या होगा, एम जी एक्सलेशन है ये, तो LT-2 L लेंथ है, L हो जाएगा बाय आई मोमेंट ऑफ इनर्सिया का होता है ML2। आप देखिए ये MLL, ये दिस 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 एंड दिस कैंसिल, ओहो नॉट कैंसिल, ये ऊपर में रूट है, सॉरी
या एक छोटे छोटे मिस्टेक्स आप लोगों को गलती के रूप में अगले क्लास में आ जाता है। चलिए एक बार फिर से मैं इसको सही कर लेता हूं। M यहां पर हो जाएगा M GLT माइनस टू। चलिए एक बार, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। और L हो जाएगा L। चलिए नीचे हम लिखेंगे एम एल स्क्वायर, नीचे कोई रूट्स नहीं है। चलिए अब हम इसको क्या लिखेंगे, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ऊपर में है टी माइनस टू का रूट और नीचे है एम एल स्क्वायर। अब आप बताइए एम पर पावर ऊपर में हाफ है, नीचे से एम जाएगा तो एम पर पावर माइनस हाफ हो जाएगा। एल स्क्वायर रूट के अंदर है, रूट से निकालेंगे तो एल बचेगा, एल पर पावर माइनस वन हो जाएगा, वन माइनस टू, टी पर पावर माइनस टू, टी पर पावर माइनस वन। अब कुछ भी हो जाए यहाँ पे डायमेंशन एम एल टी माइनस टू आता है, लेकिन ये एम पर पावर माइनस हाफ एल माइनस वन टी पर पावर, ये डायमेंशनली क्या है, इनकोरेक्ट है, क्योंकि एल एच एस नॉट इक्वल टू, कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिएगा, एल एच एस नॉट इक्वल टू है आर एच एस, ये क्या होंगे, डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन है। चलिए इस तरह से आप लोग चेकिंग कर सकते हैं। चेकिंग का सिर्फ प्रिंसिपल क्या है, आपको दोनों तरफ के डायमेंशन अगर इक्वल आ रहे हैं तो डायमेंशनली करेक्ट होंगे इक्वेशन। चलिए इस पर अगला अप्लीकेशन देखते हैं डायमेंशन का। दूसरा अप्लीकेशन हेडिंग दीजिए एप्लीकेशन इसका है डिटरमाइन यूनिट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन डायमेंशन से आप क्या निकालते हैं, यूनिट निकालते हैं। हालांकि आप यूनिट से भी डायमेंशन निकाल सकते हैं, आपको मैं दिखा देता हूं, दोनों है, एक एक नॉर्मल एप्लीकेशन है इसका, ठीक है। तो इसमें जैसे देखिए आपको फोर्स ही ले लीजिए, फोर्स का डायमेंशन आप जानते हैं एम एल टी माइनस टू होता है, ठीक है। तो फोर्स में आप क्या लिखते हैं, एम, एम का यूनिट क्या होगा, के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड माइनस टू नीचे में है तो पर सेकेंड स्क्वायर, इसी को आप लिखते हैं न्यूटन। आपने इसकी सहायता से आपने क्या निकाल लिया, यूनिट निकाल लिया। अब आप कहिएगा हम पी, यहां पे हम पी को मोमेंटम लिखते हैं, मोमेंटम ही लिख देते हैं। मोमेंटम का कहिएगा सर एम एल टी माइनस वन होता है, यहां से हम इसके यूनिट को लिख सकते हैं के जी मीटर पर सेकेंड। चलिए इसके बाद आप कहिएगा वर्क, वर्क का डायमेंशन होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो इसको आप क्या लिखिएगा, के जी एम एल स्क्वायर मीटर स्क्वायर लेंथ का पर सेकेंड स्क्वायर। आप लोग पढ़े होंगे इसका भी यूनिट क्या होता है, इसको करते हैं जूल कहते हैं। चलिए वर्क हो गया, इस तरह से आप किसी का भी यूनिट लिख सकते हैं। चलिए इंपल्स का यूनिट डायमेंशन होता है एम एल टी माइनस वन। इंपल्स मतलब फोर्स किसी पर कितना देर तक लगा, टाइम, फोर्स इंटू टाइम होता है इंपल्स, तो एम एल टी माइनस टू इंटू टी। तो इससे हम इसका यूनिट लिख सकते हैं के जी मीटर पर सेकेंड,
यानी कि जो मोमेंटम का वेट होता है वही इसका वेट होता है, डायमेंशन भी दोनों के सेम ही होते हैं। चलिए इस तरह से आपने देखा कि आप प्रेशर को देखिए लिख सकते हैं, प्रेशर में क्या होगा एम एल इनवर्स टी माइनस टू, इसको क्या लिखेंगे एम फॉर केजी एल मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स एस माइनस टू केजी मीटर इनवर्स सेकेंड, इसको लिखते हैं पास्कल, इसको पीए से लिखते हैं। चलिए इस तरह से आप डिटरमाइन कर सकते हैं यूनिट किसी फिजिकल क्वांटिटी का विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। कहिएगा सर अगर हमारे पास में यूनिट दिया हुआ है तो हम उससे भी डायमेंशन निकाल सकते हैं, बिल्कुल आप यहां पर इसका रिवर्स भी आप कर सकते हैं। देखिए केजी किसका यूनिट है मास का, मीटर लेंथ का पर सेकेंड, हम दोनों एक दूसरे के रिवर्स कर सकते हैं, इससे भी हम वहां पे जा सकते हैं। आप कहिएगा सर इसमें क्या करें केजी किसका है मास का, मीटर लेंथ का, एल स्क्वायर सेकेंड पर है तो माइनस होगा माइनस, देखिए सेम चीज आ गई। तो आप ये दोनों रिवर्सिबल है, आप क्या कर सकते हैं डायमेंशन से आप यूनिट भी लिख सकते हैं, यूनिट से आप डायमेंशन भी लिख सकते हैं। अगर आपको किसी चीज का यूनिट पता है उससे आप डायमेंशन लिख लीजिए, अगर डायमेंशन पता है तो उससे यूनिट लिख लीजिए, ये दोनों सुविधाएं हैं। डायमेंशन जानने से ये फायदा है कि हम उसका यूनिट लिख सकते हैं। कभी कभी आपको सवाल में क्या होगा डायमेंशन दिया रहेगा यूनिट निकालना होगा, जनरली आपको यूनिट दिए होंगे आपको डायमेंशन निकालना होगा, आप डायमेंशन निकालिएगा यूनिट दिए होंगे। और यूनिट दिए हैं तो आप डायमेंशन निकाल लीजिएगा, डायमेंशन दिए यूनिट निकाल। ये एक छोटा सा एप्लीकेशन इसका है, चलिए इस एप्लीकेशन को आप जान गए, इससे आप और सारे यूनिट निकाल सकते हैं। आप प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत सारे आपको डायमेंशन लिखा है तो आप 10 प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो हो जाएगा, आपके पास भी बहुत सारे डायमेंशन है उसका यूनिट आप लिख सकते हैं। चलिए ये दूसरा एप्लीकेशन इसका था। तीसरे एप्लीकेशन पे जाने से पहले हम थोड़ा सा एक और चीज जान लेते हैं, उसके बाद हम तीसरा एप्लीकेशन जस्ट पढ़ेंगे। तीसरा एप्लीकेशन जानने से पहले आप सिस्टम ऑफ मेजरमेंट थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए ये सारे फिजिक्स के बेसिक क्लास ही है, एक तरह से आप यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ रहे हैं, इसके बाद और सारे एक्सपेरिमेंट एंड वेक्टर पढ़िएगा। ये सारे फिजिक्स आप सीखने के पहले नहीं होता है, रोड मैप तैयार करना, या आप रोड मैप तैयार कर रहे हैं, ये फंडामेंटल चीजें हैं ये सब चीजें। तो चलिए सब यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर ये फंडामेंटल चैप्टर ही है, फर्स्ट सेकंड चैप्टर है। सिस्टम ऑफ मेजरमेंट इसको देख लेते हैं, उसके बाद हम उसको देखते हैं। सिस्टम ऑफ मेजरमेंट में क्या होता है, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट को नापने का, किसी भी चीज को नापने के सिस्टम होते हैं, पद्धति, कई पद्धतियां हैं जिसमें हम किसी को मापते हैं, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। चलिए एक होता है सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम होता है सेंटीग्राम सेकेंड सिस्टम, सेंटी मतलब सेंटी इसमें लेंथ को नापते हैं, ग्राम मास को,
सेकंड टाइम। एक होता है एफ पी एस सिस्टम, फुट पाउंड, ये सब आप लोग जानते होंगे। इसमें फुट को नापते हैं लेंथ से, पाउंड को, पाउंड मास, और सेकंड को टाइम। एक होता है एम के एस सिस्टम, मीटर, किलोग्राम, सेकंड सिस्टम। मीटर में किसको नापते हैं, लेंथ पे नापते हैं, किलोग्राम मास है, सेकंड टाइम। ये तो सेकंड आप देखिएगा था, लेकिन हम लोग प्रेजेंट टाइम में किसका यूज करते हैं, एसआई सिस्टम, एसआई यूनिट। मेजरमेंट के लिए किसका यूज करते हैं, एसआई यूनिट का, मतलब इंटरनेशनल जो यूनिट रखा गया है, जो आपने सेवन फंडामेंटल यूनिट पढ़ा, इसका यूज हम लोग करते हैं एसआई सिस्टम। लेकिन यहां पर मैंने इसको बताने का मकसद ये है कि डायमेंशन का यूज आपके सिलेबस में है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट के लिए भी डायमेंशन का यूज करता है। तो एक तीसरा एप्लीकेशन बताने से मैंने आपको बताने से पहले आपको मैंने रिव्यू कर दिया कि ये चीजें होता है। तो चलिए उसके बाद हम तीसरे एप्लीकेशन पे चलते हैं। आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं, आप लोगों को पता होगा। चलिए तीसरा एप्लीकेशन पे हम चलते हैं। तीसरा एप्लीकेशन हमारा है कन्वर्जन ऑफ यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, अनदर सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। आप क्या करते हैं विथ द हेल्प ऑफ डायमेंशन, आप क्या करते हैं यूनिट को कन्वर्ज कर देते हैं एक सिस्टम से अनदर सिस्टम। किसके फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को क्या करते हैं, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को आप क्या करते हैं, कन्वर्ज कर देते हैं एक सिस्टम से अनदर सिस्टम। चलिए इसके लिए हम फॉर्मूला का जो यूज करेंगे वह क्या करेंगे, ये एन वन यू वन इंटू एन टू यू, इस फार्मूला की सहायता से हम किसी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये चीजें आपको जानना, चलिए कुछ नहीं है इसको समझते हैं। फिलहाल इसको फॉर्मूला को समझने के लिए देखते हैं। एक मीटर इज इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर। यहां पर देखिएगा एन वन नंबर है 1, एन टू भी नंबर है 100, यू वन उसका यूनिट, यू टू उसका। जैसे आप कहते हैं एक केजी इज इक्वल टू 1000, मैं फॉर्मूला में एन वन क्या है ये बता रहा हूं, एन वन नंबर है, यू वन क्या है उसके यूनिट्स,
एम टू नंबर्स हैं, यू टू क्या है? चल आपने क्या किया, केजी सॉरी केजी से आपने कहा गया ग्राम में गए, कोई दिक्कत? यानी कि आपने कन्वर्ट किया केजी से ग्राम में, मीटर से? देखिए डायमेंशन से कन्वर्ट करना थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है, फालतू प्रोसेस है, लेकिन आपके सिलेबस में है तो आप एक आध सवाल प्रैक्टिस कर लीजिए, अन्यथा आप इसको डायरेक्ट करने भी जानते होंगे। हम पहले एक बता देते हैं, आप इस फॉर्मूला का यूज करके आप इसको निकालेंगे। जैसे आपको एक सिंपल सा चीज आपको बताता हूं जो आप लोग करते आए, चलिए सबसे पहले इसी सवाल पर पहले करते हैं, उसके बाद जाकर के हम उस सिंपल चीज जो आप लोग करते हैं उसको बताओ। एक बार फिर से मैं लिख देता हूं, एन वन यू वन इज इक्वल टू एन टू यू। चलिए हम इसको क्वेश्चन के जरिए समझते हैं। क्वेश्चन हमारे पास में एक आया, इस फॉर्मूला को हम साइड में रख देते हैं, इसका यूज हम करने वाले हैं अभी थोड़ी देर में। एन वन यू वन इज इक्वल टू एन टू यू टू, हमारे पास में यह फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला के जरिए एक क्वेश्चन लेते हैं कन्वर्ट वन न्यूटन इनटू टाइम। एक न्यूटन को हमने डाइन में बदलना है, वह एक न्यूटन मतलब कितने डाइन के बराबर होते हैं, वन न्यूटन इनटू डाइन में कन्वर्ट है। चलिए हम चलते हैं, सबसे पहले आप वन न्यूटन आने से कहिएगा कि ये होगा वन केजी मीटर पर सेकंड। न्यूटन को आप केजी मीटर पर सेकंड लिखते हैं, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। न्यूटन आप यहां पर लिखे तो आप बताइए, एक न्यूटन को आपने केजी मीटर पर सेकंड लिखा, इसके डायमेंशन आपको पता चल गए कि एम एल टी माइनस टू होगा, या फिर यहां से पता कर लीजिए, या फिर ये आप जानिए कि न्यूटन फोर्स का डायमेंशन होता है, सॉरी फोर्स का यूनिट होता है, उसका डायमेंशन एम एल टी माइनस टू। ये मैंने पीछे बताया था तो मैंने बताया, यहां से भी आप निकाल सकते हैं, यहां से भी निकाल सकते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि न्यूटन जो होता है फोर्स का यूनिट, चलिए कौन सा यूनिट है, एसआई यूनिट। अब हमको एक न्यूटन को हमने लिखा एक केजी मीटर पर सेकेंड। अब कुछ हम डाइन के बारे में बात कर लेते हैं, हमें ये पता नहीं है ये कितना डाइन है, हमें ये पता नहीं है। ऐसा करते हैं कि हम एक सिंपल सा एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं इन दोनों के बीच में, तो ज्यादा सही रहेगा। हमको क्या करना है, सिंपल सा आप क्वेश्चन लिख लिए होंगे, वन न्यूटन को डाइन में बदलना, ठीक है। हमने क्या किया, न्यूटन जो है फोर्स का हमने बता दिया कि ये फोर्स का डायमेंशन है, फोर्स का यूनिट है और इसका डायमेंशन एम एल टी माइनस। चलिए एक न्यूटन को हम लिखते हैं वन केजी मीटर पर सेकंड, सेकंड स्क्वायर एम एल टी माइनस। यहां तक बात क्लियर है, ये एक न्यूटन को अब हमें बदलना है एक डाइन में। अब एक सॉरी डाइन में बदलना है, हमें पता नहीं है कि ये डाइन कितना है डाइन में, लेकिन हमको इसको लेके जाना है। अब डाइन में जो होते हैं, डाइन सीजियस सिस्टम है, न्यूटन एसआई यूनिट है फोर्स का, और डाइन जो है सीजियस यूनिट है किसका, फोर्स का। अभी आपको मैंने बताया सीजियस यूनिट में मास को यहां पर एसआई यूनिट में केजी लिखते हैं, तो इसको लिखते हैं ग्राम सेंटीमीटर मीटर को सेकंड,
ठीक है, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में हमें लेकर के जा रहा है। हमें इसके लिए हमें पता नहीं है कि कितना, हमें अब आपको मैंने बताया था, अब एन वन यू वन को हम लाते हैं इसमें, एन वन हमारा हो गया वन, यू वन में आपका क्या क्या होगा आप देखिए, एम वन एल वन मीटर और टी वन भी होगा इसमें। यू वन में क्या होगा, एम वन एल वन टी वन, टी वन किसका रेट होगा सेकेंड का। अब आप कहिएगा कि यू वन हमें पता चल गया, यू वन जो है एम वन एल वन टी वन पर डिपेंड करती है। कहां से हमने लाया, हमने लाया केजी का मास तो एम वन लिखा, लेंथ एल वन लिखा, सेकेंड का टी वन। यहां तक में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम इस पे पावर रख देते हैं, एम वन का पावर वन, L1 का पावर 1, T1 का पावर कितना माइनस 2, क्योंकि यह क्या है बाय है तो T1 का पावर माइनस 2। चलिए N2 हमें पता नहीं है, यही तो निकालना है कि कितना डाइन है, ठीक। चलिए यहां चलते हैं, अब हमें यह चीज पता नहीं है लेकिन हमें यह पता है कि U1 हमारा क्या है, सॉरी N2 U2, तो U2 हमारा क्या है, ये तो आपको पता है ग्राम किसका है, मास का है, तो हम क्या लिखेंगे M2। अब इसका पावर हम डायरेक्ट साथ ही लिखते चले जाते हैं, इसका सेंटीमीटर पावर कहां देखते हैं, यहां से L1 पर पावर L2 पर पावर 1, अब इस पर T टू पर पावर कौन सा माइनस टू। अब आपको इस फॉर्मूला को आप एडजस्ट करना जानिए, आप यहां से कहिएगा कि सर एन वन एन टू हमको निकालना है तो हम क्यों ना एन वन इंटू यू वन बाई यू टू कर दे, क्या आप ऐसा कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इसको मैंने इधर ला लिया, अब यहां से हमें N1 पता चल गया, U1 पता चल गया, N2 पता चल गया, U2 पता चल गया। चलिए मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, न्यूटन है, न्यूटन फोर्स का यूनिट होता है जो कि ऐसा यूनिट है, फोर्स में का डायमेंशन क्या होता है एमएलटी माइनस टू। एमएलटी कहने से हमें पता चल गया केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पहले मैंने बताया आपको डायमेंशन दिया है तो उसका यूनिट लिख सकते हैं। चलिए एक न्यूटन था, एन वन इक्वल टू वन हो गया, मैंने बताया एन वन उसमें क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू है, यू वन एम वन का पावर वन, एल वन का पावर वन, एम टी वन का पावर माइनस टू, क्यों, केजी का, केजी क्या होता है मास का यूनिट होता है केजी, एम वन यू वन फॉर यूनिट है मतलब यू फॉर यूनिट, तो लेंथ मीटर होता है लेंथ का ही, टी वन होता है सेकंड, मतलब इसको एम वन का पावर वन, एल वन का पावर वन, टी वन का पावर वन, एम टू का पावर वन, एल टू का पावर वन, टी टू का पावर वन, ये चीजें हैं। यहां पर आप कहिएगा एम वन एम टू एल टू तो हमने लिख दिया, बात क्लियर है। अब हम चलते हैं एन टू निकालने के लिए, एन टू बराबर क्या हो जाएगा एन वन इंटू यू वन बटे यू टू, एन वन हमारा वन है, यू वन एम वन बटे एम टू, अगर बटे कीजिएगा देखिए इसका पावर वन लिख सकते हैं, एल वन बटे एल टू इसका पावर वन लिख सकते हैं, टी वन बटे टी टू इसका पावर माइनस टू लिख सकते हैं।
चलिए आप देखिए M1 क्या है, अब आप फिर से देखिए M1 क्या है, kg है। यहां पर आप U1 के बदले में यह भी लिख सकते थे kg पर पावर 1, मीटर पर पावर 1, इसके पावर 1। अब 1 इंटू आप बताइए M1 हमारा kg है, kg और M2 हमारा क्या है, ग्राम है, इसका पावर 1। L1 हमारा क्या है, मीटर है। L2 हमारा क्या है, सेंटीमीटर है, इसका पावर 1। T1 का हमारा T1 बटे T2, ये हमारा क्या है, टाइम ही है, सेकेंड अपॉन सेकेंड कह सकते हैं, यही कह सकते हैं। दोनों का पावर माइनस टू है, दोनों सेम चीजें हैं, यहां पर कोई दिक्कत नहीं, दोनों सेम चीजें ही है, सेकेंड अपॉन सेकेंड है, कोई दिक्कत हमें नहीं। अब प्रॉब्लम कहां आने वाली, आप देखिएगा, अब इसको क्या कर दीजिए, एक केजी होगा 10^3 ग्राम इंटू ग्राम, ये होगा 10^2 ग्राम सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर, इसका पावर 1, या 1 सेकेंड, या 1 सेकेंड 1 सेकेंड नीचे ऊपर दोनों भी है, दोनों कट्टम कुटाई, यानी कि डिपेंड क्या कर रहा है, इससे कैंसिल हो गया, इससे सब कैंसिल हो गया, सब कट गया, यहां पर क्या हो गया 10^5। तो यहां से आया 10^5, ये आया, जो कि ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि हमारा N2 का जो वैल्यू आया 10^5 आया, यानी कि हमारा जो है 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10^5 टाइम का। इस तरह से आपने इसे निकाल ली, 1 न्यूटन इज इक्वल टू होता है 10^5 टाइम। हमने क्या किया, केजी को 10^3, इसको 10^3 सेकेंड, तो सेकेंड में था, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह से आपने जो ये वैल्यू निकला 10^5 का, ठीक है, ये एक काफी बोरिंग मेथड है, मतलब इससे आपको एग्जाम में आएंगे तो आपको एग्जाम में, आपको बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपको इसी लंबा प्रोसेस से सॉल्व करना होगा, ठीक है, कोई ज्यादा ये इंपॉर्टेंस नहीं है उतना, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मैं दिखा देता हूं, कॉम्पिटिशन में आएगा, इतना लंबा करने की कोई जरूरत ही नहीं है। चलिए, ये फालतू मतलब एक सिलेबस में था तो बताना था, एक एप्लीकेशन था बता दिया, एक आप लोग घर पे कर लीजिएगा, हम उत्तर बता देते हैं, और आप लोग घर पे कर लीजिएगा, ज्यादा सवाल इस पे क्या करना, 1 जूल को आप क्या कीजिएगा, आर्ग में बदलिएगा, टेन टू दी पावर 7 आर्ग आएगा आप लोगों का, आप ट्राई कीजिएगा, इसी तरह इसी सेम प्रोसेस से आप बनाइएगा, आपका आ जाएगा, ठीक है, ज्यादा इस पे सवाल करने की कोई जरूरत है नहीं, शॉर्ट में हम बता देते हैं कैसे आप कर सकते हैं, इसमें कोई टेंशन की बात है, आप यूनिट से कर लीजिए, डायमेंशन से करना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन आपको बोर्ड एग्जाम में, आप 11th का बोर्ड दीजिएगा तो उसमें आपको बोर्ड में क्वेश्चन इस तरह के आते हैं, आपको लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो आपको करना होगा इसको, तो ये प्रोसेस था, मैंने बता दिया। अब इसको शॉर्ट में कैसे करते हैं, देखिए 1 न्यूटन को हमको डाइन में बदलना है, 1 न्यूटन को हमको डाइन में बदलना है, चलिए देखिए 1 न्यूटन है, दैट मीन्स 1 न्यूटन एट
दैट मीन्स 1 kg/s² हमको सेंटीमीटर में लेके जाना है, हमको डाइन मतलब सेंटीमीटर, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर पे लेके जाना। अब आप बताइए 1 kg बराबर कितना ग्राम होता है, 10^3 ग्राम होता है। वही चीज मैंने नीचे में किया, सिर्फ आपको डायमेंशन से लाना था ये तमाम चीजें, मीटर को 10^2 किया, सेकंड दोनों सेम ही चीज है, तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर दोनों में है तो कोई बात ही नहीं है। आप देखिए 10^5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको आपने क्या लिखा 10^5 टाइम। कितना आसान था, वही चीज करना था, सिर्फ आपको क्या था न्यूटन से, आपने वही न्यूटन से जान करके डायमेंशन क्या हो M1 M2 फालतू का वही चीजें किया लास्ट में। तो बस ये शॉर्ट तरीका है, आप कोई भी चीज का लीजिए, से मान लिया जाए एक जूल को मैंने कहा अर्ग में बदलने के लिए, यूनिट से डायरेक्ट कर दीजिए कोई दिक्कत नहीं होगा, अर्ग में आप बदलिएगा तो क्या होगा, जूल क्या होगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर होगा, इसको बदलिएगा तो ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। कहिएगा सर 1 kg है यहां पर, 1 kg m² / s² है, इसको बदलेंगे तो 10^3 ग्राम हो जाएगा, 1 kg बराबर होगा मीटर स्क्वायर, यानी कि 10^ मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा 10^2 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि तो स्क्वायर से स्क्वायर में चेंजिंग कर रहे हैं, कोई दिक्कत। अब पर सेकंड स्क्वायर, अब देखिए आसानी से आ गया हमारा 10^3 ग्राम, 10^4 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 10^7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। यही चीज करते हैं, सिर्फ डायमेंशन को उसमें मेंशन करना होता है, ये आप आसानी से कर सकते हैं, ये करते भी आए तो आपका उस तरह से आप निकाल लीजिएगा 1 J = 10^7 अर्ग होगा। इस तरह से आप उस फॉर्मूला से N1U1 × N2U2 का यूज करके आप सवाल बना सकते हैं। तो आप जनरली बेस्ट मेथड यही है, लेकिन आपको एग्जाम में अगर बोर्ड एग्जाम में आता है तो आपको उस प्रोसेस से करना होगा, उसको भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आप नोट कर लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आगे फिर एग्जाम के वक्त आप एक बार देख लीजिएगा तो वो चीजें आपकी हो जाएंगे। चलिए जनरली आप इस तरह से करते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अब एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन का लास्ट एप्लीकेशन है, जो कि बहुत बेहतरीन एप्लीकेशन है, वह क्या है कि डायमेंशन की सहायता से हम कोई भी डेरिवेशन को निकाल सकते हैं, कोई फॉर्मूला फिजिकल रिलेशन को निकाल सकते हैं, कोई दो क्वांटिटी के बीच में जो फिजिकल रिलेशन है उस फिजिकल रिलेशन को हम इस डायमेंशन के जरिए निकाल सकते हैं। ये एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, इससे आप जो जिस टॉपिक के बारे में कुछ नहीं भी जानते हैं, आप उसके डायमेंशन को अगर जानते हैं फिजिकल क्वांटिटी के, तो आप उसके डेरिवेशन को निकाल सकते हैं, यानी कि दो या दो से अधिक फिजिकल क्वांटिटी का अगर आप डायमेंशन जानते हैं तो उसके बीच में क्या रिलेशन है उस रिलेशन को निकाल सकते हैं। ये मस्त एप्लीकेशन है, इससे आपको बोर्ड में भी सवाल आते हैं, कंपटीशन में तो धड़ल्ले से सवाल आते हैं। इस पर मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा, शायद इसका लास्ट वीडियो होगा यूनिट एंड डायमेंशन का लास्ट, मतलब जो जितना सवाल उस पर करवा दें उस कॉन्सेप्ट पे, तो इस कॉन्सेप्ट पर सवाल होगा, एक आध दिन लगेंगे, उसके बाद जाकर के यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर खत्म हो जाएगा, यूनिट एंड डायमेंशन खत्म हो जाएंगे। इसके बाद कुछ और बेसिक्स है, स्केलर एंड वेक्टर पढ़ाने के बाद उसको पढ़ाया जाएगा। तो ये चीजें हैं, पहले फिलहाल जो मैथमेटिकल टूल्स हैं वो सारे टूल्स और स्केलर एंड वेक्टर पढ़ाने के बाद कुछ छोटे छोटे ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको पढ़ाना होगा, जैसे सिग्निफिकेंट फिगर की बात होता है, उसके बाद जाकर इरर्स एंड मेजरमेंट है, तो ये तमाम चीजें आपको बताए जाएंगे फिलहाल। लेकिन इसके बाद स्केलर एंड वेक्टर पढ़ाएंगे, कल के क्लास में आपको कैसे ड्राइव कर सकते हैं वो चीजें आपको बताया जाएगा।
दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशन कैसे निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन, इस पर बहुत सारे अच्छे अच्छे सवाल करेंगे, कॉम्पिटिशन में आए हुए भी सवाल करेंगे। इसके लिए कल का वेट कीजिए, मतलब अगले क्लास का वेट कीजिए। तो मैं आपको एक बात बता देता हूं, आज की क्लास में सिर्फ आपको ये जानना था कि डायमेंशन की सहायता से आप यूनिट प्राप्त कर सकते हैं, तो यूनिट की सहायता से भी डायमेंशन प्राप्त कर सकते हैं। एक एक बोरिंग कॉन्सेप्ट था क्या, N1U1 = N2U2 के फॉर्मूला से आपको कन्वर्ट करना था डाइन और न्यूटन, मतलब कन्वर्ट करना था एक फिजिकल क्वांटिटी से दूसरे को, फिजिकल यूनिट से दूसरे फिजिकल यूनिट में। दूसरा तीसरा एप्लीकेशन और एक एप्लीकेशन जिस पर आपने सवाल किया वह था करेक्ट करने के लिए आप फिजिकल क्वांटिटी को, फिजिकल इक्वेशन को, डायमेंशनल इक्वेशन को आप क्या करते थे, करेक्ट करते थे। तो आपने तीन एप्लीकेशन पढ़ा, पहला पढ़ा करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, दूसरा कन्वर्जन ऑफ यूनिट, तीसरा आपने फिजिकल क्वांटिटी की सहायता से यूनिट निकालना, डिटरमाइन यूनिट, डिटरमाइन द यूनिट विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। तो ये तीन आपने डायमेंशन का एप्लीकेशन पढ़ चुके हैं। अगला इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप लोग को अगर वीडियो पसंद आता है, वीडियो से आप कुछ सीखते हैं, तो आप इसे फॉरवर्ड करने की कोशिश करें, इसको सब्सक्राइब करने की कोशिश करें। आपको यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे पिक्चर क्वालिटी हो सकता है, या फिर जाकर के भी फिलहाल जैसे मान लीजिए कैलकुलेशन मिस्टेक्स की बात मैंने पिछले वीडियो में हुआ था, तो धीरे धीरे ये चीजें ठीक हो जाएंगे। कारण ये है कि हम इससे पहले ऑफलाइन 7-8 साल पढ़ाया है, ऑनलाइन का मुझे उतना कोई एक्सपीरियंस नहीं, तो धीरे धीरे हम इम्प्रूव करेंगे। इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं रहने के कारण थोड़ा सा मतलब एक अलग होता है, ऑफलाइन से ऑनलाइन में शिफ्टिंग होने में थोड़ा समय लगता है, तो थोड़ा सा समय लगेगा। धीरे धीरे हम इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, आप लोगों का सपोर्ट रहा तो बहुत जल्दी ये भी इम्प्रूव हो जाएंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, आप लोग पढ़ते रहिए।